रोहन टीवी का वॉल्यूम कम करो यार, शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। रोहन सुनते क्यों नहीं यार तुम? मेरा रिमोट मेरे पास नहीं, पापा के पास है। अरे एक मिनट, एक मिनट इधर दो ना। हद किया हुआ तुमने, शोर मचाया हुआ, आराम से नहीं देख सकते हो क्या तुम लोग? यहाँ यहाँ टेक इट यार, कम ऑन यार, सारा घर गंदा पड़ा है, तुम लोग को बस मैच देखना और कुछ नहीं करना। रवि एक काम करो ना प्लीज, तुम खाना लगा दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। ताकत का इस्तेमाल, रवि प्लीज यार, खाना लगाते हो मैच नहीं देख सकते हो क्या? कम ऑन यार प्लीज। एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? खाना मैं लगाऊंगा? हाँ, ये मेरा काम है क्या? और मैं दिन भर ऑफिस में काम करके थकता नहीं हूँ क्या? खाना तुम लगाओगी, अंडरस्टूड? कम ऑन, मैं तो, अरे रोज थोड़ी करती हूँ मैं तुमको। और तुम क्या करती हो रोज? हाँ, आज क्या किया तुमने? अपनी किटी की तैयारी की होगी, किटी फ्रेंड्स के साथ तुमने नाच गाना किया होगा, और क्या किया होगा, हंसी मजाक की होगी, और कह रही हो थक गई हो। की? क्या हुआ बेटा? नथिंग नथिंग। देख, बचपन में तेरा चेहरा देख के ही समझ जाती थी जब स्कूल में किसी के साथ झगड़ा होता था तेरा, समझ जाती थी कि नहीं? और मैं आज तक जान नहीं पाया हूँ कि आप कैसे समझ जाती थी। और आज भी मुझे पता चल रहा है कि कोई बात मेरे बेटे को परेशान कर रही है। क्या हुआ? अच्छा देख, मैंने तेरे लिए जूस बना के रखा है, मैं लेके आती हूँ, उसके बाद यू नीड टू शेयर दैट विद मी, ओके? वी हैव टू टॉक। ये ले बेटा जूस। आप पता क्या बात है? मामा, मैं अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, इतने लार्ज स्केल पर कि सारा शहर जान जाए मनोविराज के बेटे विकी सक्सेना की शादी है। तो ऐसा ही होगा ना, धूमधाम से होगी तेरी शादी। हाँ नहीं, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। क्यों? मम्मा, मैंने पापा से कहा कि मैं अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता हूँ, और वो मान भी गए, पर आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर ऑन माई पार्ट। मुझे पापा से ऐसी मांग करनी नहीं चाहिए थी, जबकि मैं जानता हूँ कि हालात बैंक्रप्सी। नहीं मामा, मुझे पापा पर कोई प्रेशर नहीं डालना है। That's so sweet of you, बेटा। I don't know about that. बस मैं एक सिंपल सा कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, और उसके बाद एक छोटी सी सेरेमनी, That's it. कितना समझदार हो गया मेरा बेटा, बहुत समझदार हो गया। तुम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? इनसेंसिटिव मैं हूं या तुम हो? एक मिनट, तुम्हारे पास क्रिकेट मैच देखने का टाइम है, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ चाहूं तो मुझ पर चिढ़ जाओगे, चिल्लाने लगोगे, क्योंकि तुम गलत वक्त पे गलत चीज मांगती हो। एक मिनट, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि तुम क्रिकेट मैच देख रहे थे, मैंने आके इंटरप्ट कर दिया, इसलिए मुझ पर चिढ़ गए हो। जी नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि तुम तो दिन भर अपने किटी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती हो, है ना? और अगर मैं दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ घर आऊं और थोड़ी देर रोहन के साथ क्रिकेट देखना चाहूं रिलैक्स होने के लिए, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, ओके? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो बताओ क्या करती हो तुम दिन भर? क्या करती हो बैठे-बैठे दिन भर? ये कहना चाहते हो मुझे कि मैं फालतू में बैठी रहती हूं? देना मैं सॉल्व कर दूंगा। पापा के पास अगर पैसे होते ना तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। आज तक बिना कुछ मांगे उन्होंने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है, मुझे उन्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। बात शर्मिंदा करने की नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ कि ये दिन तेरे लिए कितना अहम है, हाउ मच दिस मीन्स टू यू। मामा प्लीज रहने दीजिए। क्यों रहने दो? तू इकलौता बेटा है हमारा, तेरे पापा और मैं हमेशा सोचते थे कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। हाँ मैं इंतजाम करूंगी, मैं अरेंज कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। मामा प्लीज, मामा जरूरी नहीं है। तू चुप रह, जरूरी है। हाँ पर मनु को बुरा नहीं लगना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग मैं चाहती हूँ कि मनु खुश रहे और तू भी खुश रहे, जिस तरह की शादी तू चाहता था ना और तेरे पापा ने तुझे प्रॉमिस की थी ना,
उतनी ही धूमधाम से होगी तेरी शादी। हाँ चल तू टेंशन मत ले, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, गो एंड रिलैक्स। अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकती और मनु को भी छोटा महसूस नहीं करने दूंगी, पर क्या करूंगी अब, कैसे करूंगी ये सब। माजी, टीना, क्या हो गया माजी? क्यों हो गया? संभालिए अपने आप को माजी। सुधीर, I'm really sorry. मैं तो हैरान हूँ किटी की औरतों को लेकर। सब कुछ तो कर दिया उन लोगों ने, अब बचा क्या है करने के लिए? और बहुत कन्वीनियंटली मेरे खिलाफ फैसला भी सुना दिया उन लोगों ने। अरे किटी का फैसला कोई पत्थर की लकीर थोड़ा ही है जो मिटाया नहीं जा सके। हाँ विद्या, आई एग्री, लेकिन मैं तो अकेली पड़ गई हूँ ना। ये किटी हम सबकी किटी है और मेरी लॉयल्टीज हमेशा से किटी की तरफ रही है, लेकिन ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। आई एम शॉक्ड, क्या ये लोग रियली एक्सपेक्ट करती हैं कि तुम लॉयल्टी किटी की तरफ दिखाओगी और अपनी जिंदगी की तरफ नहीं? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम अपने खिलाफ कुछ मत करो। किटी की मेंबर होने से पहले तुम एक औरत हो और हर औरत को हक है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। किटी की मेंबर्स कौन होती है तुम्हारा हक छीनने वाली? एग्जैक्टली, लेकिन देखो ना इन लोगों ने मेरी लाइफ को और इस सिचुएशन को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कितना डिफिकल्ट बना दिया इन लोगों ने। तो तुम ये सिचुएशन उनके लिए डिफिकल्ट कर दो, मनु से बात करो ना। जिसकी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है उसे बताओ तो सही कि वो औरत तुम्हारी जिंदगी में कितना जहर घोल रही है। इससे पहले कि मंजू उसके कान भरे तुम उसे जाकर सब कुछ बता दो। अरे वो क्या उसे कान भरेगी, क्या कहेगी उसे? वो उसे अपना वर्जन सुनाएगी, मिर्च मसाला लगाकर ऐसी कहानी सुनाएगी कि मनोविराज तुम्हें दोषी मानेगा और तुमसे नाराज हो जाएगा। जो मंजू करेगी वो तुम्हें करना चाहिए और मंजू से पहले। मतलब? मतलब ये कि मनोविराज से जाके कहो कि ये जो बखेड़ा हुआ है वो मंजू ने शुरू किया है और वो तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करती है। अच्छा माजी, टीना तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तो ही बता शालू मैं क्या करूं। बेटे की शादी है, एक बार होती है, कोई त्योहार नहीं है जो हर साल चलाए। सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी में कोई हसरत ना रह जाए। मंजू मैं समझ सकती हूँ, और फिर विकी तो तेरा इकलौता बेटा है। जब वो छोटा था ना, मैं सोचा करती थी जब उसकी शादी होगी मैं ये करूँगी वो करूँगी। मुझे क्या मालूम था कि जब विकी की शादी होगी तो हालात ऐसे होंगे कि मुझसे मेरा घर छिन चुका होगा और मनु से उसकी दौलत। मंजू देख, इस तरह तू अपना मन छोटा मत कर। पता है मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। जब रमाकांत घर के खर्चे के लिए मुझे पैसे देता था ना, तो उसमें से थोड़े से निकाल के मैं रख लेती थी कि शायद कभी रिया के काम आ जाए। अब तो वो 1 लाख से भी ज्यादा हो गए होंगे, वो पैसे तू रख ले। नहीं शालू, मैं तो उससे पैसे नहीं ले सकती। तो कैसी बातें कर रही है? देखा जाए तो वो तेरे ही तो पैसे हैं, और फिर अपनी बहन से नहीं लेगी तो फिर किससे लेगी? थैंक यू शालू, पर 1 लाख से शादी का खर्चा तो नहीं पूरा होगा ना। अरे शालू, मुझे एक बात याद आई, इस सब टेंशन में मैं भूली गई, मेरा बैंक में एक लॉकर है जिसमें गहने पड़े हैं, वो गहने बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे मुझे। मंजू तो गहने बेचेगी? हाँ क्यों नहीं, विकी की शादी के काम आएंगे और मैं उन गहनों का क्या करूंगी, और वो लॉकर मेरे नाम पे है तो कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो फिर मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। थैंक गॉड। यू राइट विद्या, मुझे राज को सब कुछ बताना होगा। रेवा प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, लेकिन अगर तुम्हारी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती तो मैं इतना इंटरफेयर नहीं करती, इतना जोर नहीं देती। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। क्या मैं नहीं जानती कि पूरी किटी में तुम्हारे सिवाय मेरी परवाह और कोई नहीं करता? तुमने तो मेरे लिए कोको से झगड़ा भी कर लिया है। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। डोंट बी सिली, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे भले के लिए, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करो अपने भले के लिए। मुझे किटी के फैसले की कोई परवाह नहीं है। और मानना भी नहीं चाहिए, इमोशनली लिया फैसला जिसमें ना लॉजिक था ना रीजन, व्हाई शुड यू अग्री? विद्या तुम सही कह रही थी, मुझे राज से मंजू से पहले बात करनी पड़ेगी, ताकि मंजू की बातों का उस पर कोई असर ना हो। मुझे ये बात थोड़ी इमोशनली ही करनी पड़ेगी। अब देखो तुम कैसे बात करोगी और क्या बात करोगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन राज को इतना समझा दो कि अगर उसने मंजू से पहले डिवोर्स ले लिया होता तो तुम्हें आज का दिन नहीं देखना पड़ता। डोंट वरी विद्या, राज मंजू के पास डिवोर्स पेपर्स जरूर लेकर जाएगा। माँ जी प्लीज रोना बंद कीजिए, अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो मैथिली की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बहुत दुख पहुंचेगा उसे। दुखी तो वो बेचारी पहले से ही थी, ऊपर से बिंदु और भूषण हमेशा उसे खरी खोटी चलाया करते थे, कब तक झेलती? चली गई, हमने तो सोचा था कि परिवार बढ़ेगा, लेकिन यहां तो परिवार घट गया, एक नहीं टीना यहां दो बहुत हुई है। माँ जी प्लीज ऐसा मत सोचिए, बहुत मुश्किल होगा आपको, फिर आपको तो पिताजी को भी संभालना है, और जरा सोचिए अगर सुधीर आपको इस हालत में देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी? बिंदु भाभी और भूषण भी ऐसे तो कुछ उम्मीद भी नहीं रख सकते। उन दोनों से क्या उम्मीद की जा सकती है, घर का ये बात तब उन्हीं का बनाया हुआ है, पहले
पहले सुधीर से लड़े और जब मिक्की लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उसे भला बुरा कहा, उसकी माँ को चरित्रहीन कहा, उसे चरित्रहीन कहा, ये भी नहीं सोचा कि बेचारी प्रेग्नेंट है, ऐसे हालत में सदमा पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। वही हुआ टीना, अनर्थ हो गया। माँ जी प्लीज, माँ जी अपने आप को संभालिए प्लीज, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आपको आपको पिताजी और सुधीर का ख्याल रखना है। माँ जी प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं तो पोता या पोती के इंतजार में थी, अब हमारे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। माँ जी ख्याल रखिए माँ जी, और जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन कीजिए। हाय, कैसी थी तुम्हारी किटी? डोंट इवन आस्क। कमाल है, मैं पूछू नहीं तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ लेकिन कुछ हुआ जरूर है, तुम्हारे चेहरे से मालूम पड़ रहा है। और क्या होना था राज, बस एक बार फिर से मैं तुम्हारी वजह से बेइज्जत होकर आई हूँ। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। मैं चुप बैठती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी इज्जत करती हूँ, और वो कुछ भी कहती है करवाती है क्योंकि वो तुम्हारी बीवी थी। मंजू, क्या किया मंजू ने? वो सब कुछ किया जो एक कल्चर्ड औरत को नहीं करना चाहिए। राज, शी कीप्स ऑन इंसल्टिंग मी, और जब वो खुद नहीं कर पाती ना तो दूसरों को भड़का कर अपने साथ मिलाकर उनसे करवाती है। बोलोगी सही कि क्या किया है उसने? आज किटी के सारे मेंबर्स पिक्सी के घर पे वोटिंग करने के लिए मिले थे। वोटिंग? व्हाट काइंड ऑफ वोटिंग? वोटिंग इस बात पर कि मैं इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी या मंजू। व्हाट रबिश? नो, इट्स नॉट रबिश, इट्स अ फैक्ट। एंड बाय द वे, मैं हार गई, मंजू जीत गई। व्हाट? जी हाँ, आज किटी के सारे मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से चले जाना चाहिए और मंजू को तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए। लेट देम गो टू हेल यार, वो कौन होता डिसाइड करने वाले? राज, मैं जिंदगी में कभी इतना इंसल्ट नहीं हुई हूं। ये सब मंजू का प्लान है और उसे सबके साथ मिलकर ये प्लान बनाया है, क्योंकि वोटिंग के दौरान वो सब उसके साथ थी, मेरे साथ सिर्फ विद्या थी। शी वॉन्टेड टू ह्यूमिलिएट मी एंड शी डिड अ डैम गुड जॉब।